सबका एफर्ट है, शायद मैं ये अकेले यहाँ पे ये नहीं कर सकता था। सबने ताउन किया और सबका मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। ये सिर्फ 3 दिन में ही हुआ है। हिलाल साहब को मैं कहना चाहता हूँ कि 3 दिन में ही हुआ है ये सब कुछ, लेकिन ये महफिल इन बच्चों के लिए और इन बच्चों के साथ साथ जो मेरे सीनियर्स है यहाँ पे, जिन्होंने मेरे हाथ में पहले दिन तब का पीटी कैमरा जो है मेरे हाथ में दिया है माजी जहांगीर साहब, और मैंने शुरुआत अनंतनाग से ही की है, और जब मैं उस चीज़ का नाम नहीं लूंगा जो मुझे उस वक्त टास्क मिला था, और मैंने वो पूरी कैसेट जो है उसमें रिकॉर्डिंग की थी, और जब मैं माजिद साहब के पास अगले दिन पहुंचा, क्योंकि रात भर मैं उधर ही था, जब मैं अगले दिन पहुंचा तो उन्होंने कहा कि आपने शूट किया, मैंने कहा जनाब हाँ मैंने शूट किया, तो ये रिमाइंड करते रहे। 1 घंटा जब इन्होंने देखा तो कहा कि आपके शादी पे गए थे, मैंने कहा शादी पे नहीं गया था, मुझे तो पता ही नहीं है क्या करना है, लेकिन आज जो कुछ भी हूं मैं माजिद जहांगीर साहब की वजह से ही हूं, और जो कुछ भी मुझे मिला है, और अगर मेरे हाथ में तब वो डायलॉग का कैमरा था और शायद मुझे जानते भी नहीं थे, और अगर मैं उस वक्त उस कैमरा को चोरी भी करता तो शायद कहां मुझे ढूंढते, लेकिन मैं अगले दिन सुबह इनके घर 6 बजे पहुंचा और वहां पर मुझे चाय मिली, और मैं रात भर भूखा था उधर, और अगर ये कैमरा थोड़ा सा उधर करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा मैं कहां था। तमाम तरह शुक्रिया को कदर किया और हमारे साथ ये शामिल हुए, इट्स माना कि लेट यू है, इट्स बेटर टू लेट देन नेवर। और अब तस्दू साहब शाम पेश कर रहे हैं श्री अनंतनाग व्यास अहमद साहब को, जो लोग कश्मीर के अंदर चीफ है, एक सेकंड
इतबा करा बयान क्या उस बेमिसाल का सानी का कोई आमिना माई दिलाल था। मैं अगली लिहाज से और दीगर मामला के लिहाज से मैं पहले इनसे माजरत चाहता हूँ, दिली माजरत चाहता हूँ। इस नामुराद की किस्मत ही कहाँ कि इस मुबारक और बासादत महफिल में मुकम्मल ज़ाबता हयात है, क्योंकि दीन जो है वो मुकम्मल काम। तो मैं इन साहब का ख्याल में इस मुझे हुक्म दिया कि यहाँ पर जाऊँ। मैं आप सब लोगों का सबको वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन किसे साथ मुंसलिक कुछ दोस्तों ने ये फैसला लिया है कि हम एक नॉर्थ कंपटीशन करेंगे। इसका ये मामला था कि गुजरते दिनों ये यहाँ से माह रमज़ान की बाबरकत आयाम हमसे रुखसत हो गया, इसमें हमने ये फैसला लिया था कि हम इस हवाले से ये प्रोग्राम करेंगे। तो आज ईद के बाद हमने इसका ग्रैंड फिनाले यहाँ किया, तो मकसद यही था कि हम स्कूलों में जाके बच्चों को एक्टिविटीज़ दे के उन्हें मुतहरिक करें, उन्हें उन चीज़ों से दूर रखें जो आजकल समाजी बिदात है, जो सोसाइटी में आज जहर उगल रहा है कुछ गलत चीज़ें। तो हम आए रोज़ डिफरेंट प्रोग्राम करते रहते हैं स्कूलों में, क्योंकि अनंतनाग वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन या बाकी दीगर जितने भी हमारे साथ साथी है, ये चूँकि होल मीडिया फ्रटर्निटी ने बनाया था, तो हमारा यही मकसद है कि अपने शहर को एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट में आगे लाके इस सोसाइटी को हम मजबूत बना दें।